वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था किमी और सॉन्ग हुआ सेंग कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है बल्कि गॉड्स हैं। उन्हें पता चल जाता है कि शियालिन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक री इनकारनेटेड पर्सन है। पर दिक्कत यह है कि अभी एक और इंसान है जिसका री इनकारनेशन हुआ था लेकिन उसकी सोल अभी पहचान में नहीं आ रही। वहीं किमी शियालिन से कहता है कि उसके बारे में सोचे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। किमी की ये बात सुनकर शियालिन जोर जोर से हंसने लगता है। टीचर की आप भी ना। किमी बोलता है, हाँ क्यों हंस रहे हो? शियालिन बोलता है, असल में मैं प्योर बॉटम हूँ। किमी बोलता है, हाँ मुझे पता है, तो क्या हुआ? शियालिन बोलता है, अरे मैं बॉटम हूँ ना, अब आपके संग रिलेशनशिप में रहूँगा तो मुझे टॉप बनना पड़ेगा। ये सुनकर किमी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें मैं बॉटम लग रहा हूँ? शियालिन किमी के पास आता है और बोलता है, ये सही नहीं है टीचर की, आपने ये बात काफ़ी बुरी तरह बोली। पहले आप जो कह रहे थे आप कितने चार्मिंग लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आप बॉटम हैं आपका टॉप वाला ईगो वापस आ गया। मेरे अकॉर्डिंग आप बॉटम ही अच्छे हैं टीचर की, टॉप मत बनिए। किमी ये सुनकर मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था शियालिन एक नादान बच्चा है, पर मुझे नहीं पता था ये एक्सपर्ट है बातें बनाने में। और किमी बोलता है, अच्छा छोड़ो हम कपल नहीं बन सकते, कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं ना। और वो मन में सोचता है, अब मुझे फ्लर्टिंग करना छोड़ देना चाहिए, मेन काम ये है कि शियालिन पर नज़र रखूँ। शियालिन पास आता है और एकदम से पूछता है, क्यों? किमी बोलता है, क्योंकि मेरे जितने भी कलीग्स हैं और फ्रेंड्स हैं सब स्ट्रेट हैं, बहुत मुश्किल होती है एक गे फ्रेंड बनाना, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मेरे मन में चल क्या रहा है। ये काफ़ी अजीब है कि मैं तुमसे मिला, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे संग ऐसे ही करीब रहूँ। शियालिन ये सुनकर मन में सोचता है, वैसे मैं नहीं बता सकता कि टीचर की बातें मेरे लिए सिंसियर हैं कि नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और वो अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मुझे खुशी हुई आपका दोस्त बनके, आप कमाल है टीचर की। किमी बोलता है, देखो अब दोस्त बन गए हो फिर भी टीचर बुला रहे हो। मुझे टीचर मत बुलाओ, मैं बस तुमसे थोड़ा ही बड़ा हूँ, किमी बुलाओ ओके। शियालिन बोलता है, ठीक है अब रात बहुत हो गई है तो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। किमी बोलता है, ओके गुड नाइट। और शियालिन बिल्डिंग के एंट्रेंस पे घुसता है। वो एंट्रेंस पे देखता है कि पिलर से सट कर कोई शख्स खड़ा हुआ है। वो क्लियरली देखता है तो उसे पता चलता है वो और कोई नहीं सोंगयान था। शियालिन उसकी ओर देखता है और सोंगयान शियालिन की ओर देखता है। हवाएं चलने लगती हैं, पर एक चीज़ थी जो इन दोनों के चेहरे पे नहीं थी, वो थी कामनेस। दोनों ही इतने सालों से चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन जब मिले तो कुछ बचा ही नहीं था। और वो मन में सोचता है, मुझे तो लगा था कि सोंगयान की सारी यादें मेरे दिमाग से मिट गई होंगी, लेकिन जब भी वो मेरे पास आता है भले ही उसकी परछाई दिख रही हो लेकिन मैं पहचान जाता हूँ कि वो और कोई नहीं सोंगयान है। 4 साल हो गए, अब सोंगयान में कोई भी गुस्से वाले इश्यूज नहीं दिखते जिस तरह के उसमें तब थे जब वो हाई स्कूल में था। वो अब ऐसा ही हो गया है जैसा मेरे पिछले जन्म में था। लेकिन उसे कंपेयर किया जाए, इस बार वाला सोंगयान खुद ही खुद में नहीं है और उसकी आंखों में एक चमक है। सोंगयान बोलता है, शियालिन बोलता है, तुम क्यों आए हो? सोंगयान बोलता है, क्योंकि मैं, वो बोलना चाहता था कि वो उसे मिस कर रहा था इसीलिए, पर वो बोलता है, हमारी कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट सिटी बी में हैंडल होगा इसीलिए मैं आज सिटी बी आ गया। फिर मुझे याद आया कि तुम भी तो सिटी बी में रहते हो और मैं तुम्हें मिलने आ गया। ये सुनकर शियालिन मन में सोचता है, तुम मुझे मिलने आए हो हाँ, या फिर तुम इसीलिए आए हो ताकि यू लुओतोंग को देख सको? मैं जहाँ तक गैस कर सकता हूँ
सोंगयान यहाँ यू लुओतोंग से मिलने आया होगा। जैसे ही उसे पता लगी होगी कि यू लुओतोंग अमेरिका शिफ्ट होने वाला है, वो यहाँ इतनी जल्दी में आ गया। और अगर वो उसे ढूंढने की कोशिश भी कर रहा होगा तो उसे नहीं मिला होगा। बस इस अनजान शहर में उसके पास कोई जगह नहीं होगी कि वो रात कहाँ बिताए। फिर उसे याद आया होगा, अरे हाँ, उसका तो एक दोस्त भी है और इसीलिए वह आ गया। हाँ, जाने दो, भले ही मैं सोंगयान की सेकंड चॉइस हूँ, पर फिलहाल यू लुओतोंग को मेंशन करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। और वो बोलता है, इतनी देर हो गई है, क्या तुमने होटल बुक कर लिया? सोंगयान बोलता है, नहीं अभी नहीं, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। जियालिन देखता है कि फ़ोन में टाइम 10:45 हो गया है और वो बोलता है, इतनी देर हो गई है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेके जाता हूँ, वहाँ तुम्हें सोने को कमरा मिल जाएगा। सोंगयान बोलता है, ओके। वो शियालिन को बार बार देखे जा रहा था क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाह रहा था और शियालिन ये बात अच्छे से समझता है, तो वो बोलता है, कहो जो भी कहना है। सोंगयान वहाँ खड़ा हो जाता है और बोलता है, अभी जो भी मैंने देखा, वो इंसान, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो किमी की ओर इशारा कर रहा था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।